हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं अच्छे हैं, सुरक्षित रहिए। तो मैं बहुत दिनों बाद आज आ गई हूँ आपके सामने एक वीडियो लेके, और रिक्वेस्ट तो मेरे पास बहुत सारी आती हैं, बिकॉज मैं नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं सॉरी भी बोलूँगी कि मैं आजकल यूट्यूब से बहुत ज़्यादा मेरा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। जब कहते हैं कि जब हमारे साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो एक ही चीज़ पर फोकस रहता है, तो बस वही चीज़ है कि मेरे पास थोड़ा छोटा बच्चा है, तो जिसकी वजह से मैं उसी के साथ दिन भर बिजी रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा लेट कर देती हूँ। मैं टाइम टाइम से कोई भी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। बट आप मेरे सिचुएशन को समझिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट वर्क है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल करूँ, तो मैं अभी आजकल उसी में बिजी हूँ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसा भी मुझे जितना भी टाइम मिले, मैं जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है मैं उसको कंप्लीट करूं और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं आपके साथ। तो आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक ये है कि मैं आज अपनी नोट प्रेसिंग की जो स्टोरी रही है मैं वो शेयर कर रही हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, वर्तिका करके कोई है, वर्तिका करके ऐसा कुछ उनका नाम है, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे ये था कि मुझे उनको ये वीडियो बना के देनी है। सॉरी अगर कोई मिस्टेक हो रही, तो आज बहुत दिनों बाद कैमरा उठाया है तो थोड़ा हॉपलेस हो रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वो हो जाता है, थोड़े दिन गैप हो गए हैं इस वजह से हो रहा होगा। तो मेरा टॉपिक आज ये नहीं है, मैं आज अपने नोज प्रेसिंग की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मेरी स्टोरी क्या थी और मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मैं किस एज में थी, उन्होंने यही पूछा है मुझसे। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि जो मेरी नोज प्रेसिंग रही है वो ज़्यादा पेनफुल नहीं थी, क्योंकि डर तो बहुत लगता था सुनने की बहुत पेन होता है ऐसा वैसा। बट उस टाइम पे मैं शायद थर्ड या फोर्थ क्लास में रही होंगी, और मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मेरे जो ईयर और नोज दोनों साथ में ही हुए थे, अलग अलग नहीं कराया गया था। तो उस टाइम पे विंटर टाइम चल रहा था, और स्कूल के टाइम में आपको पता है विंटर में थोड़ा लेट होता है स्कूल, शायद था 3 बजे तक हम घर पे पहुंचते थे, तो शायद वहाँ पे वो आया हुआ था जहाँ हम लोग रहते थे। तो मम्मी पापा मेरा वेट कर रहे थे कि स्कूल से आएगी, तो इसका हम लोग आज नोज और ईयर दोनों पीसिंग करवानी थी उनको, तो मेरा वेट कर रहे थे। और उस टाइम पे स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, तो कभी कभी हम पैदल भी जाते थे, और कभी कभी पापा टाइम रहता था, अगर ड्यूटी नहीं रहती थी उनको तो वो लेकर और छोड़ के भी आ जाते थे। तो उस दिन मैं पैदल ही आ रही थी बच्चों के साथ, तो बहुत सी भीड़ लगी थी क्योंकि बहुत लोगों का चल रहा था वहाँ पे। तो जब मैं आई तो पापा मम्मी कह रहे हैं, पापा मम्मी मेरे दोनों वहीं खड़े थे, तो बोल रहे कि चलो मैं हम तुम्हारी आज ये नाक और कान दोनों छिदवा देते हैं। नॉर्मली बात, मतलब नॉर्मली जो लैंग्वेज होती है उसमें छिदवाना ही बोलते हैं ना, हमारी माँ तो यही बोलते हैं। तो मैंने कहा पापा नहीं, बहुत डर लगेगा। तो कह रहे हैं बेटा अगर इससे बड़ी हो गई तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, अभी तुझे करवाना जरूरी है, फिर अच्छा नहीं लगेगा, सबको दिखाने लगे देखो इसका हुआ उसका हुआ। माँ बाप मतलब मेरा माइंड वॉश करना चाह रहे थे कि मतलब मेरे जो मम्मी पापा थे वो ये सोच रहे कैसे भी करके इसका मतलब ये तैयार हो जाए और इसका आज काम ये कराई दे हम लोग। तो वो लोग मुझे कह रहे हैं कि देख इसने करा लिया उसने करा लिया, सब सब बताओ, इस कोई किसी को दर्द हुआ उसमें, कुछ बड़े लोग भी जैसे डबल डबल ईयरिंग प्रेसिंग करवा लेते हैं ना, उसमें वो भी थी, कुछ दीदियाँ थी, कुछ भाभियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि देखो हमें बिल्कुल पेन नहीं हुआ, तो नहीं करवा लो करवा लो। तो मैं बहुत छोटी रही हूँ, समथिंग थर्ड और फोर्थ क्लास में मेरी एज यही रही होगी, 8-9 साल की समथिंग ऐसी कुछ था, इतना मुझे क्लियरली याद नहीं है, अगर हाँ शायद इतना ही रहा होगा। थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चे इसी एज के होते हैं। तो मैं आई, ठीक है, वो अंकल जी जो थे भैया, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही याद आ रहा है कि मतलब उनके पास कोई मेडिसिन थी, उनके पास कुछ बॉक्स था, वो उसी से उसको मतलब ऐसे मतलब करके ना उसी से मतलब होल हो जा रहा था, प्रेसिंग हो जा रही थी, और उसी को वो पहना दे थे। जैसे मैंने ये अपनी नोज डाली है ना नोज पिन, इसी तरीके से उनके पास थी। तो उन्होंने पहले मेरी ईयरिंग करी थी, फिर उसके बाद नोज किया था। तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसे बहलाना कुछ बातों में उलझा दिया, बैठा दिया मुझे वहाँ पे, मम्मी पापा दोनों मुझे मेरे सामने ही खड़े थे, उनको ही देख रही थी मैं। तो वो कुछ कुछ बातें कर रहे थे और मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि क्या मतलब आज स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया, मतलब पूछ रहे थे। इतने में थोड़ा सा उन्होंने पूछ किया और तुरंत हो गया था। उसके बाद मतलब एक मतलब थोड़ी सी तो होती है, मतलब कुछ भी अगर आपके बॉडी में कुछ भी मतलब पिन चुभाया जाए तो थोड़ा पेन तो होता ही है, उस टाइम पर हुआ था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ था, बट उतना नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा हुआ था। थोड़े टाइम बाद वो मुझे नॉर्मली हो गया था, मुझे इतना पेन नहीं हुआ, शायद एज कम थी।
तो इसकी वजह से ज्यादा पेन नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ज्यादा एज हो जाती है तो ये जो हमारी स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है, तो ज्यादा दर्द होता है अगर बड़े होकर करवाओ तो। मेरी बचपन में हो गई थी तो मुझे ज्यादा पेन नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे करते 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 उन्होंने तुरंत पुश किया और वो हो गया था ऐसे दोनों। फिर नाक में थोड़ा सा ज्यादा दर्द हुआ था कि नाक का जो ये होता है ना स्किन वो थोड़ी हार्ड होती है, तो नाक में थोड़ी सी पेन हुई थी। उन्होंने दवाई के साथ कर दिया था, उसके 1-1.5 महीने तक मैंने वो डाला हुआ था। उसके बाद निकाल के मेरे घर वालों ने मुझे गोल्ड पहना दिया था। तो ये रही मेरी नोज पीसिंग और ईयर पीसिंग की स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा। और वर्तिका जी, मैंने आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी करी, आप प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके देखती है तो जरूर आप बताइएगा आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का खुश रहिए और खुश रखिए। बाय बाय।